तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के पेशावर में बाचा खां यूनिवर्सिटी पर हमला किया है। इस हमले में करीब 25 लोग मारे गए हैं। आपको बता दें कि मरने वालों में एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर का नाम भी सामने आ रहा है, जिसके बाद चारों आतंकवादियों को मारा जा चुका है। इसके तुरंत बाद पेशावर के तमाम स्कूल बंद कराए जा चुके हैं और अस्पतालों में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बंदूकधारी प्रांत के चार सद्दा जिले स्थित बाचा खान विश्वविद्यालय में घुस गए और उन्होंने कक्षाओं एवं छात्रावासों में छात्रों और शिक्षकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह विश्वविद्यालय पेशावर के दक्षिण पश्चिम में करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है। विश्वविद्यालय परिसर के भीतर विस्फोटों और भारी गोलीबारी की आवाज सुनी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता और प्रांतीय सांसद शौकत यूसुफई ने कहा है कि विश्वविद्यालय में आज सुबह हुए आतंकी हमलों में एक प्रोफेसर समेत 25 लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर के सभी अस्पतालों में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। इलाकों में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यूसुफजई ने कहा कि इस हमले को 4 से 10 हमलावरों ने अंजाम दिया है। दरअसल साल 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल पर भी आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें तकरीबन 132 बच्चों और शिक्षकों की जान चली गई थी। और इसके तुरंत बाद पेशावर की बाचा खां विश्वविद्यालय में यह हमला हुआ है। जाहिर तौर पर यह हमला उस वक्त हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और देशों की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान को आतंकवादियों के लिए जन्नत सरीके कह दिया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान इसका क्या जवाब देता है। हरिद्वार से हिरासत में लिए गए चारों संदिग्ध आतंकवादियों की पेशी राजधानी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हो गई है। उनकी पुलिस रिमांड 15 दिन की है, जिसमें दिल्ली पुलिस आतंक के सभी नक्शे टटोलने की कोशिश करेगी। NIA, IB और रॉ की सूचना पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में संदिग्ध आतंकवादी अखलाक उल रहमान, मोहम्मद ओसामा, मोहम्मद नजीमो शान, महराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से 15 दिन की रिमांड की मंजूरी भी मिल गई है। इन आतंकवादियों के तार न केवल रुड़की और हरिद्वार बल्कि दिल्ली NCR से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी इन आतंकवादियों के आतंकी संगठन और तंजीम का नाम घोषित नहीं किया है, न ही ये बताया है कि इन चारों संदिग्ध आतंकवादियों के पास से कौन कौन से हथियार, असला और सूचना मिली। इन चारों आतंकवादियों के 3 निशाने थे। हरिद्वार में चल रहा अर्धकुंभ, रुड़की और हरिद्वार के बीच का रेलवे ट्रैक और राजधानी दिल्ली NCR में 26 जनवरी की तैयारियाँ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला खुदकुशी मामले पर जहां एक और सियासत जारी है, वहीं इस बीच केंद्रीय HRD मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटनाक्रम पर सरकार की ओर से सफाई दी है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करती हूं। उन्होंने कहा कि यह दलित बनाम गैर दलित मामला नहीं है। छात्रों ने हॉस्टल से निलंबित किए जाने को चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ किया कि खुदकुशी नोट में किसी भी सांसद और अधिकारी या फिर बंडारू दत्तात्रेय या फिर यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी का नाम नहीं है। इस मामले में नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के हनुमंत राव ने भी इस मामले में चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि मैं यह बात आपके सामने इसलिए रख रही हूं क्योंकि देश में सबको अपनी बात कहने का हक है, समुदाय में लड़ाई कराने का हक नहीं है। इससे पहले BJP महासचिव मुरलीधर राव ने भी साफ किया कि रोहित की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना गलत है। कई वीडियोस हैं जो दिखाते हैं कि वह असल में क्या था और क्या कर रहा था। उसकी खुद से ही किसी तरह की जंग चल रही थी। वहीं राजनेताओं का हैदराबाद पहुंचना जारी है। राहुल गांधी, ओवैसी, सीताराम येचुरी के बाद अब कल दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैदराबाद पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार और BJP के मंत्रियों पर बयान जारी करके बड़ा हमला बोला है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र की भाजपा सरकार और उनके वरिष्ठ मंत्रियों पर बयान जारी करके बड़ा हमला बोला है। BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि अन्याय और प्रताड़ना का शिकार बनाए जाने के कारण हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित स्कॉलर छात्र रोहित वेमुला द्वारा आत्महत्या को मजबूर होने की घटना की अत्यंत दुखदायी है और इसकी BSP निंदा करती है। साथ ही BSP सुप्रीमो मायावती ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए इसकी तीव्र निंदा की और कहा है कि दलित समाज को न्याय मिलना अब और ज्यादा लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इतना ही नहीं, BSP सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद व मंत्रीगण लगातार अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं। इससे लगातार माहौल खराब हो रहा है और ये कतई जायज नहीं है। कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जबकि एक आम आदमी की मौत हो गई है। अधिकारियों की माने तो मुठभेड़ खत्म होने के बाद एक ग्रेनेड अचानक फटा,
जिसमें दो नागरिक घायल हो गए थे और उन्हीं में से एक शख्स ने दम तोड़ दिया। एक अधिकारी ने बताया कि आज नैना बटपोरा गांव में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी मार गिराए गए। उनकी पहचान रियाज नाइक और लतीफ डार के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने एक घर को बंधक की तरह इस्तेमाल किया। यह घर मुठभेड़ में तहस नहस हो गया है। अधिकारी ने कहा कि हमें तीसरे आतंकवादी का शव मलबे में दबे होने का अनुमान है। अधिकारियों की माने तो आतंकियों के इलाके में छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर मंगलवार शाम सीआरपीएफ बटालियन और विशेष ऑपरेशन समूह ने जवानों ने नैना बटपोरा में अब्दुल सलीम वानी के घर को घेर लिया। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को हथियार डालने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ रुकने के बाद वहां जुटे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाईं, जबकि पुलिस का कहना है कि वे दो लोग वहां ग्रेनेड फटने से घायल हुए हैं। नागरिक के मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद बेकाबू भीड़ ने एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल मौके पे तनाव बना हुआ है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। नोएडा के सेक्टर 23 में रहने वाले आईटीबीपी के आईजी आनंद स्वरूप की गाड़ी सेक्टर 23 स्थित उनके घर के बाहर से चोरी हो गई है, जिसके बाद से नोएडा पुलिस गाड़ी की तलाश में जुट गई है। नोएडा के सेक्टर 23 में रहने वाले आईटीबीपी के आईजी आनंद स्वरूप की गाड़ी सेक्टर 23 स्थित उनके घर के बाहर से चोरी हो गई, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं नीली बत्ती की गाड़ी चोरी होने के बाद से दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस तरह से हाल ही में अभी पठानकोट में एसपी की गाड़ी छीनने के बाद आतंकवादियों ने एयरफोर्स के अंदर घुसकर आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था, तो वहीं इसी आशंका को देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली में भी इस गाड़ी को ढूंढने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं और अभी कल रुड़की में भी 4 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। उसी को देखते हुए नोएडा पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है और दिल्ली के आसपास इलाकों में भी गाड़ी के ढूंढने की कवायद जारी है। नीली बत्ती की गाड़ी लगे होने के कारण जिस तरह से गाड़ी चोरी हुई है, तो वहीं पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से हाल ही में अभी पठानकोट में एसपी की गाड़ी को आतंकवादियों ने अगवा कर आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं इस तरह से गाड़ी चोरी होने के बाद दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद दिल्ली स्पेशल सेल और उत्तराखंड पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को दबोचा है। हरिद्वार के ग्रामीण इलाके से इस गिरफ्तारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये चारों उत्तराखंड अर्धकुंभ और दिल्ली एनसीआर में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। विदेशों से मिलने वाला पैसा और इनके संबंधों की अब जांच दिल्ली स्पेशल सेल करेगी। कल देर शाम से हरिद्वार जिले में साझा बड़ा ऑपरेशन हालांकि खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कुछ स्लीपिंग सेल और मॉड्यूल्स के निकटतम लोगों की पुलिस को तलाश है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हरिद्वार जनपद जो कि पश्चिमी यूपी और उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जनपदों से लगा हुआ है, वहां से 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी से एक बार फिर ये साबित हो गया है कि उत्तराखंड भी अब सुरक्षित नहीं है और असामाजिक तत्वों के साथ साथ देश विरोधी ताकतों में लिप्त संगठन यहां से भी ऑपरेट करने और अपने संगठनों को सक्रिय करने में लगे हैं। अखलाक इनका मास्टरमाइंड है और कुल 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें अखलाक भगवानपुर हरिद्वार का रहने वाला है, जबकि उसका दूसरा साथी ओसामा गांव जौरासी का है, मोहम्मद अजीज कस्बा लंढौरा का रहने वाला है। चारों आपस में संपर्क में थे और सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते थे। 2 बीए के तो 1 पॉलिटेक्निक का छात्र और 1 बीएमएसडीसी कुल से कर रहा था। आईजी संजय गुंजियाल ने बताया कि साझा ऑपरेशन में कई चीजों का ध्यान रखा गया, हालांकि फिलहाल कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन इनके इनपुट जो मिल रहे थे उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो चारों संदिग्ध आरोपियों की 15 दिनों की रिमांड मिल गई है और इन्हें दिल्ली हरियाणा राजस्थान ले जाने के साथ साथ एक बार फिर से उत्तराखंड लाया जा सकता है, क्योंकि इनके साथियों और ये किनके माध्यम से संपर्क में थे इसका भी पड़ताल स्पेशल सेल को करना है। बहरहाल इस महत्वपूर्ण गिरफ्तारी के बाद इतना तो तय हो गया कि अर्धकुंभ को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी में नियुक्त लोकायुक्त वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति पर उठे कई विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंचून ने भी तमाम प्रश्न वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति पर उठाए थे। लोकायुक्त वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति के बाद तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट से अपना आदेश वापस लेने की गुहार की गई थी।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अदालत के सामने अपने वकील को पेश करते हुए साफ तौर पर कहा कि उनकी तरफ से वीरेन सिंह का नाम खारिज कर दिया गया था। इस पर मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन की सहमति भी थी, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने वीरेन सिंह का नाम सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया। इसी के साथ ही तमाम पक्षकारों ने अदालत के सामने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को वीरेन सिंह के नाम पर गुमराह किया गया है। वीरेन सिंह के खिलाफ लैंड ग्रैबिंग से लेकर तमाम ऐसे विवाद हैं जिसके कारण उन्हें लोकायुक्त नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद प्रशांत भूषण जो याचिकाकर्ता सच्चिदानंद गुप्ता की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने अदालत के सामने कहा कि अगर लोकायुक्त के पद पर वीरेन सिंह बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को उठानी पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित करते हुए साफ तौर पर कहा कि वीरेन सिंह के नाम को बदला जा सकता है, लेकिन नए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम यानी कि सीएम विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस के पास ही मामले को नहीं भेजा जाएगा। इस मामले में आदेश शुक्रवार को आ सकता है। संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल डॉक्टर के पॉल को लेकर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने राज्यपाल पर बड़ा बयान देते हुए राज्यपाल से इस्तीफा मांगा है। सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि गैरसैंण विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10% क्षतिज आरक्षण के विधेयक को पास किया गया, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी राज्यपाल ने विधेयक पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ऐसे में अगर राज्यपाल 15 फरवरी तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी 16 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विधेयक को दोबारा से पास कराना चाहिए। बड़बोले बयानों के लिए पहचान बनाने वाले धीरेन्द्र प्रताप ने राज्यपाल से इस्तीफा मांगने के साथ ही मुख्यमंत्री हरीश रावत से भी विधानसभा का विशेष सत्र चलाने की मांग की है। मतलब साफ है कि राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10% क्षतिज आरक्षण को लेकर अभी भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष प्रभावती गौड़ ने जिस तरीके से देहरादून नारी निकेतन के मामले में खुलासा किया है कि मानव तस्करी भी वहां से की जा रही, इस मामले पर अब बीजेपी ने भी उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि सरकार उनकी इस बात से बिल्कुल भी इनकार कर रही है। उनके अनुसार अभी तक इस तरीके की ना कोई रिपोर्ट सामने आई है और ना ही उनके संज्ञान में कोई बात आई है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष प्रभावती गौड़ ने समाचार प्रेस पर नारी निकेतन में मानव तस्करी के तार जुड़े होने की संभावना जताई थी, जिसके पीछे उन्होंने कुछ सबूत भी समाचार प्रेस के सामने रखे थे। यह बात तब की है जब नारी निकेतन में संवासिनियों के उत्पीड़न का शोर भी शुरू नहीं हुआ था। प्रभावती गौड़ ने साफ कहा था कि 25 महिलाएं नारी निकेतन से गायब हो चुकी हैं, जिनकी अब तक कोई अता पता नहीं है। उनके परिजन उन्हें आज भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी ओर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। प्रभावती गौड़ ने समाचार प्लस को एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि इसके तार मानव तस्करी से भी जुड़े हो सकते हैं। समाचार प्लस के खुलासे के बाद प्रभावती गौड़ ने अपनी रिपोर्ट डीएम देहरादून को सौंपी थी। उनके बाद नारी निकेतन का खुलासा भी हुआ था, लेकिन सरकार ने नारी निकेतन में संवासिनियों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर तो जांच शुरू की, लेकिन उन महिलाओं के बारे में कोई सुध नहीं ली जिन्हें कौन कहां ले गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक बार फिर प्रभावती गौड़ सामने आई हैं और उन्होंने मानव तस्करी का मुद्दा सरकार के सामने नहीं बल्कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने भी रखा है। देहरादून नारी निकेतन से मानव तस्करी का खुलासा होने के बाद सरकार भले ही इस तरीके की रिपोर्ट से इनकार कर रही है, लेकिन भाजपा नेताओं ने अब प्रभावती गौड़ के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। उनके अनुसार यदि सरकार उनकी रिपोर्ट पर संज्ञान लेती तो राज्य शर्मसार नहीं होता। समाजवादी श्रवण यात्रा के तहत आज सूबे के 1044 बुजुर्ग तीर्थयात्री तिरुपति और रामेश्वरम के लिए रवाना हुए। राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन से धार्मिक कार्य मंत्री विजय मिश्रा और प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इन सभी यात्रियों को रवाना किया। बुजुर्ग नागरिकों के लिए चलाई गई राज्य सरकार की समाजवादी श्रवण यात्रा का तीसरा जत्था आज चारबाग स्टेशन से धर्मार्थ कार्य मंत्री विजय मिश्रा और प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मंत्री विजय मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने श्रवण यात्रा ऐसे बुजुर्गों के लिए शुरू की है जो कि आर्थिक वजहों से किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है और इसी क्रम में बुजुर्गों के लिए समाजवादी श्रवण यात्रा का तीसरा जत्था आज रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि जब यात्री वापस लौट कर आते हैं तो उनको में आ रहे खुशी के आंसू उनके मनोभावों को बयां करते हैं। प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि आज तीसरे जत्थे में 1044 बुजुर्ग यात्री रवाना हुए हैं।
उन्होंने बताया कि रामेश्वरम और तिरुपति की इस यात्रा में सभी तीर्थयात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। उनके खाने पीने के इंतजाम के साथ ही उनके भजन कीर्तन की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, इन बुजुर्ग यात्रियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए चिकित्सकों की एक टीम भी रवाना की गई है। इस दौरान सभी यात्रियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बरेली की विश्वविख्यात दरगाह आला हजरत से एक बार फिर आतंक के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। फतवे में कहा गया है कि ISIS की वीडियो देखना और उसके लिटरेचर पढ़ना भी इस्लाम के खिलाफ है। बरेली के दरगाह आला हजरत के सुन्नी बरेलवी मौलवियों ने आतंक के खिलाफ एक फतवा जारी किया है, जिसमें सोशल मीडिया या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ISIS का लिटरेचर पढ़ना या उसे शेयर करने को इस्लाम के खिलाफ बताया गया है। मौलवी मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी ने कहा है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नॉन इस्लामिक ग्रुप है, ये एंटी इस्लामिक फोर्स के एजेंट है। इस फतवे में कहा गया है कि लोगों को ऐसे शख्स या ऑर्गेनाइजेशन से दूरी बनाए रखना चाहिए जो इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए शरीयत के मुताबिक ISIS का लिटरेचर पढ़ना या उसे प्रमोट करना भी इस्लाम के खिलाफ है। हम उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते। मौलवी ने कहा है कि कुरान के मुताबिक एक निर्दोष को मारना पूरी इंसानियत के खिलाफ है। ये पहला मौका नहीं कि जब दरगाह आला हजरत से कोई फतवा जारी किया गया हो। इससे पहले भी कई बड़े फैसले दरगाह आला हजरत से लिए गए हैं। इससे पहले दहेज प्रथा के खिलाफ भी फतवा जारी किया जा चुका है। अब देखना ये है कि इस फतवे पे लोग कितना अमल करते हैं। घने कोहरे के चलते औरैया में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां नहर में कार गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस हादसे में 2 लोगों को बचा लिया गया, जिनका इलाज चल रहा है। मौसम में अचानक बदलाव अब जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। भीषण कोहरा हादसे का सबब बनता जा रहा है। मामला बेला थाने इलाके का है, जहां नहर में कार पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के दौरान सभी लोग कन्नौज जिले के सरायमीरा कस्बे से औरैया के अछलदा में तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हरदू गांव के पास कार बेकाबू हो गई और छरदी नहर में गिर गई। मृतकों में 3 कन्नौज के, 1 रायबरेली का है। कार में सवार 4 साल की बच्ची जानवी अभी भी गायब है। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं से हादसे में 2 लोग बचा लिए गए, जिनका इलाज चल रहा है। मेरठ में आज प्रसार भारती के FM स्टेशन का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मेरठ में आज प्रसार भारती के FM स्टेशन का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और पूरे विधि विधान के साथ मेरठ के किला परीक्षणगढ़ रोड पर अब्दुल्लापुर में FM रेडियो स्टेशन के लिए शिलान्यास किया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया कि भारत भी जल्द ही फेसबुक और ट्विटर की तरह सोशल नेटवर्किंग साइट लॉन्च करेगा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने यह भी बताया कि मेरठ में 2 दिवसीय दौरे के दौरान लगभग हर क्षेत्र के लोगों से मिले, जहां उन्होंने आम बजट के लिए कई सुझाव इकट्ठा किए, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा, ताकि आम आदमी का बजट आम आदमी के हिसाब से बन सके। ताजनगरी आगरा के लोगों को बंदरों से होने वाली परेशानी से अब बहुत जल्द ही निजात मिलेगी, क्योंकि ताजनगरी आगरा के प्रशासन ने वाइल्ड लाइफ से मिलकर एक बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान चालू किया है। बंदरों की समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन 1 साल से प्रयासरत है। वाइल्ड लाइफ SOS बंदरों को पकड़ने के लिए 20 जनवरी से SN मेडिकल कॉलेज से शुरुआत की। इसके पश्चात कलेक्ट्रेट के बहरूनाला, नूरीगेट, बेलनगंज सहित ऐसे स्थानों से बंदर के पिंजरे अंदर किए जाएंगे। आगरा मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने आज कमिश्नरी में वाइल्ड लाइफ SOS द्वारा तैयार किए गए अत्याधुनिक पिंजरे का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आगरा में बंदरों की बढ़ती जनसंख्या से आगरा वासी काफी परेशान थे, जिससे निजात पाने के लिए एक ठोस कार्रवाई की शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत साइंटिफिक तरीके से बंदरों की नसबंदी की जाएगी। इससे बंदरों को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ताज नगरी आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में बंदरों का आतंक होने की वजह से वाइल्ड लाइफ ने सबसे पहले आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में पिंजरे लगाए और ये अभियान आज SN मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ।